Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing a DIY video on a kettle and milk measuring can. ये वीडियो का रिक्वेस्ट मुझे बहुत आया था बिकॉज मैं अपने किचन टूर में मैं दिखाई थी इस तरह की कैटल मम्मी बहुत पहले पेंटिंग की थी जिसे मैं अपने किचन में सजाती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कोई वीडियो मेरे पास नहीं था एंड मम्मी यहाँ पे थी तो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट समथिंग। और आपको पता है इस तरह की कैटल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, तो क्यों ना हम इसे पेंटिंग करें और अपना एक अच्छा सा टच दें। साथ ही मुझे बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप स्टील कंटेनर्स के ऊपर क्या पेंट यूज़ करें, तो यहाँ पर मैं एक टेस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग एक्रिलिक कलर्स यूज़ करते हैं स्टील कंटेनर्स के ऊपर, तो मैं जनरली इस तरीके की चीज़ें किचन में सजाती हूँ, तो किचन में आप सबको पता है थोड़ा बहुत वो ग्रीसीनेस तो हो ही जाता है, तो अगर मैं उसे एक स्क्रबर के मदद से साफ करती हूँ तो पूरा का पूरा पेंट निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा पेंट निकल गया, बट अगर यहाँ पे आप एनिमल कलर या फिर ऑयल कलर यूज करते हैं तो क्या होगा आप देखिए। तो ये कैटल मम्मी पहले पेंट की थी और इसे मैं किचन में ही सजाती हूँ, और जनरली मैं इसे रेगुलर बेसिस पे एक स्क्रबर की मदद से ही साफ करती हूँ। देखिए बिल्कुल भी कलर नहीं निकलता है, साफ करने के बाद उसमें अलग सा एक शाइन भी आ जाता है, तो मेरे हिसाब से बेटर है आप एनिमल कलर यूज़ करें, इसमें अलग सा एक शाइन भी आएगा एंड आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। तो चलिए ऑयल कलर यूज़ करते हुए ये DIY को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी ब्लू कलर यूज़ कर रही है, यहाँ पे ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन का ये केटल पूरा हम बना रहे हैं। साथ ही उसके ऊपर का जो कवर है उसे भी हम ब्लू येलो कॉम्बिनेशन से ही पेंट कर रहे हैं। कैटल के हैंडल को मम्मी ने रेड कलर से पेंट किया है तो वो पॉपअप कलर थोड़ा सा ऐड होता है। आफ्टर द पेंट इज कम्प्लीटली ड्राई, जिसे एक दिन का टाइम लगता है बिकॉज ऑयल कलर है, सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद मम्मी पेंसिल से यहाँ पे कुछ फ्लावर पैटर्न बनाई है, उसके बाद यहाँ पे मम्मी पेंटिंग करेगी। तो मम्मी पिंक कलर यूज़ करते हुए पहले फ्लावर्स का बेस कोट कर रही है, उसके ऊपर मम्मी शेडिंग करेगी। मम्मी बहुत ही अच्छा शेडिंग करती है जिसमें मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मम्मी बहुत पेशेंस से हर चीज़ को करती है, तो शी इज़ वेरी परफेक्ट ऑन दिस। तो पहले मम्मी बेस कोट के हिसाब से पिंक कलर यूज कर रही है, उसके बाद क्रिम्सन रेड एंड व्हाइट कलर से शेडिंग कर रही है। मम्मी इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द शेडिंग, उसके बाद मम्मी यहाँ पे लीव्स को पेंट कर रही है, तो लीव्स को मम्मी ऑलिव ग्रीन कलर कर रही है एंड जो स्टेम है उसे डार्क ग्रीन कलर से पेंट कर रही है। एंड फॉर द टॉप पोर्शन मम्मी इज मेकिंग सम फ्लावर पैटर्न्स ऑन।
सो नाउ आर DIY इज रेडी. ये केटल रेडी है. मम्मी ने पेंट करने के बाद उसे एक दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है. इसे आप कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन में सजा सकते हैं या फिर इसे एक फ्लावर वास भी बना सकते हैं. तो देखिए, मैं इसे अपने बैल्कनी में यूज़ कर रही हूँ. तो इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसमें कुछ रियल फ्लावर्स ऐड करके इसे सजाऊँगी. तो कुछ इस तरह से हमने मिल्क मेजरिंग कैन को भी पेंट किया है एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे एक मनी प्लांट ऐड करके इसे भी मैं अपने बैल्कनी में सजा रही हूँ. सो ये था आज का DIY. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा. और अगर आप इस तरह से कोई भी DIY बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबका कमेंट एंड पोस्ट देखने के लिए. तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय एंड टेक केयर.